रेशम का रहस्य और रोचक इतिहास। एक जानी मानी दंतकथा के अनुसार चीनी सम्राट ह्युआंग ती, जिसे पीला बादशाह भी कहा जाता है, की पत्नी महारानी लेजू ने अकस्मात से सिल्क यानी रेशम की खोज की थी। एक दिन जब ये महारानी मलबेरी यानी के शहतून के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी, तब अचानक एक ककून यानी की कोसे तो उबलती चाय के कप में आ गिरा और उसमें से धागों का जाल निकलने लगा। यह देखकर महारानी बड़ी आश्चर्यचकित रह गई। उसने खोज निकाला कि शहतून के कीड़े पतंगे का नया जन्म लेने से पहले जिस कोकून में खुद को जिंदा दफन कर लेते हैं, उस कोकून को गर्म पानी में डालने से रेशम के महीम बागे निकलते हैं और इस तरह रेशम के कीड़ों के खौफनाक मौत के साथ सुंदर मुलायम रेशम की खोज चाइना में हुई। नमस्ते दोस्तों, मैं सारा स्वागत करती हूं आपका अपने इस ऑनलाइन YouTube एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशम के रहस्य और रोचक इतिहास के बारे में। इस तरह रेशम के कीड़ों के कोकून को उबाल कर रेशम बनाने की खोज चाइना में ईसा पूर्व 2696 में हुई। इस खोज के 3000 साल तक चाइना ने बाहरी दुनिया से रेशम का राज छुपाए रखा और इसे बेचकर मालामाल होता रहा। एक रेशम का पतंगा मरने से पहले 500 तक अंडे देता है। उन अंडों से निकलने वाले लार्वा को एक महीने तक शहतून के पेड़ के पत्ते खिला के मोटे किया जाते हैं। वे अपने जिस्म पर जाले बुन कर खुद को कोकून में कैद कर लेता है। यह लार्वा कोकून तोड़कर पतंगा बनकर नया जन्म ले उससे पहले ही इन्हें उबालकर माच दिया जाता। फिर चीनी औरतें उबलते पानी में इन्हें कूद कूद कर लचीला और सोत बनाती और उसमें से फिर धागा बनाती। इस रेशम से कपड़े, पतंग, मछली पकड़ने की जाल और कागज बनाया जाता था। कभी कभी रेशम को करेंसी यानी नगद पैसे की तरह भी इस्तेमाल किया जाता। 1644 में चीन राजवंश के सत्तामें आने तक आम आदमी को रेशम के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। सिल्क रोड। रेशम के कपड़े का इस्तेमाल चाइना में सिर्फ धनी लोग ही करते थे और पुराने जमाने में इसे लग्जरी माना जाता था। बाहरी दुनिया के धनी लोगों और शहनशाहों के लिए सिल्क खरीदने का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और इसकी कीमत सोने चांदी में गिनी जाने लगी। सिल्क को मध्य एशिया की चीन की सरहद से यूरोप तक ले जाने वाले सौदागरों का काफिला जिस रास्ते से गुजरता था उसे आज भी सिल्क रोड नाम से जाना जाता है। यह रास्ता चीन से तकला मकान की बंजर पहाड़ियों से होता पामीर के पहाड़ों को पीर कर अफगानिस्तान से दमास्कस होता हुआ भूमध्य सागर तक पहुंचता। 4000 मील लंबा था। बहुत कम लोग यह पूरा रास्ता सफर करते। ज्यादातर सामान बिचौतियों यानी मिडलमैन के माध्यम से ही पहुंचाया जाता। रेशम का रहस्य। चीनियों को पता चल चुका था कि उनकी खोज कितनी कीमती है। उस जमाने में पेटेंट के कोई नियम तो थे नहीं, तो उन लोगों ने रेशम कहां और कैसे बनता है इसे 3000 सीलों तक बाहरी विश्व से एक राज बनाए रखा। आज के अमेरिकन एयरपोर्ट की तरह देश से बाहर जा रहे लोगों की गहरी जांच की जाती और रेशम के अंडों की स्मगलिंग करने की कोशिश करने वालों को मौत की सजा दी जाती थी। इस तरह 3000 साल तक रेशम पर चाइनीज आधिपत्य यानी मोनोपोली रही। आखिरकार ईसा पूर्व 2 शताब्दी में चाइना से कोरिया जा बसे कुछ चीनी लोगों ने शहतून उत्पाद यानी सेरी कल्चर को चीन से बाहर फैलाया जो फिर भारत, जापान व पर्सिया यानी ईरान तक पहुंचा। हालांकि यूरोप में इसकी अपार लोकप्रियता के बावजूद रेशम के रहस्य का पर्दा बाइजेंटाइन साम्राज्य से वहां पहुंचने तक 550 ईस्वी तक बना रहा। बाइजेंटाइन वालों ने भी चीनियों की तरह रेशम उत्पाद को सदियों तक यूरोप से राज ही बनाए रखा। रेशम का उत्पाद केवल राजकीय बागानों में कड़ी निगरानी में ही किया जाता। आखिरकार किंवदंतियों के अनुसार सम्राट जस्टिनियन के लिए काम करने वाले कुछ साधुओं ने खोखली बांस की लकड़ी में छुपा के रेशम के कीड़ों के अंडे कॉन्स्टेंटिनोपल पहुँचाए। 7वीं शताब्दी में अरबों द्वारा ईरान जीतने के बाद यह अफ्रीका, सिसली और स्पेन तक पहुंचा।
दसवीं शताब्दी में अंडालुसिया सिल्क उत्पाद का केंद्र बन गया। 13वीं शताब्दी में इटली ने इसके उत्पाद और कारोबार पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। वेनिस के सौंदागर सिल्क में ही लेन देन करते। आज भी कोमो प्रदेश के सिल्क उत्पाद अलग महत्व रखते हैं। इटालियन रेशम इतना पॉपुलर था कि फ्रांस के फ्रांसिस प्रथम ने इटालियन रेशम उत्पादकों को फ्रांस में आके काम करने का निमंत्रण दिया। 17वीं शताब्दी आते आते फ्रांस इसके उत्पाद में इटाली को टक्कर देने लगा। फ्रांस के लायोन्स प्रांत का रेशम आज भी अपनी खूबसूरत बुनावट के लिए जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में स्वेज केनाल के रास्ते आने वाले जापानी सस्ते रेशम ने यूरोप के सेरिकल्चर को काफी पीछे धकेल दिया, जिसके बाद औद्योगिकी युग में मानवसर्जित नायलोन जैसे कृत्रिम फाइबर ने स्टोकिंग और पैरासूट जैसे उत्पाद में रेशम के आधिपत्य को तोड़ दिया। 1970 तक जापान कच्चे रेशम के उत्पाद और निर्यात में एकमात्र महत्वपूर्ण देश बना रहा। धीरे धीरे चाइना भी रेशम उत्पाद में आगे आने लगा। आज विश्व में 125,000 मीट्रिक टन रेशम प्रतिवर्ष उत्पन्न किया जाता है, जिसका 2/3 अकेले चाइना से आता है और अमेरिका रेशम का सबसे बड़ा आयातकार यानी खरीदकार देश है। दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सारा एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।